दोस्तों आज धर्मपत्नी का ड्राइविंग टेस्ट है फिर से। पहले मैडम फेल हो गई थी। ओवर कॉन्फिडेंस आज चेक किया जाएगा कि आज भी उतना ही है या फिर कम हो गया। दिल्ली में टेस्ट पास करना आसान नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट है, और यहाँ पे जो रूल है ना बड़े खतरनाक है। मैडम आज फिर से आई है पास, देखते होगी नहीं होगी। घमंड कम हुआ ही नहीं हुआ, पिछली बार फेल हो गई थी। अच्छे से अच्छा बंदा जो उसमें रहता ना, मेरी वाइफ की तरह घमंड में रहता कि मैं पास कर लूंगा, वो यहाँ पे आके फेल हो जाएगा। गाड़ी यहाँ से लेकर आओगे और ये सामने लगा दिया आपने। ज्यादा जान मत बांटो, खुद ने कभी पास किया है? लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत आपको कहाँ पे आ सकती है, बैक करना मैटर है और ये गाड़ी पार्किंग में लगाना मैटर है। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगेगी तो आपकी जीत हासिल हो जाएगी, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, गाड़ी बैक करके पार्किंग में लगानी है। आसान कुछ नहीं है, पहले वाली चीजें नहीं रही कि पैसे दे के पास हो जाएंगे, सेटिंग लगा लेंगे, जैक लगा लेंगे। कि पैसे दोगे, सेटिंग लगाओगे, जैक लगाओगे, ऊपर फोन करोगे, द्वारका सेक्टर 22 के अंदर जैक नहीं लगती। यहाँ पे आपका दिमाग लगाना है और यहाँ पे टेस्ट पास करना है, है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। दोस्तों आज धर्मपत्नी का ड्राइविंग टेस्ट है फिर से। पहले मैडम फेल हो गई थी, अब देखते हैं मैडम कौन से झंडे गाड़ेगी। और ओवर कॉन्फिडेंस आज चेक किया जाएगा कि आज भी उतना ही है या फिर कम हो गया। घमंड वो भी चेक किया जाएगा कि उतना ही है, कम हो गया, क्योंकि पहले एहसास हो गया था, थोड़ा पता लग गया था कि मेरे में घमंड बहुत ज़्यादा है, घमंड नहीं रखना चाहिए। पहले फेल हो गई थी, आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम पे। आज धर्मपत्नी का फिर से टेस्ट है और ट्रैक आपको दिखा दूँ। दिल्ली में टेस्ट पास करना आसान नहीं है, बड़ा डिफ़िकल्ट है, और यहाँ पे जो रूल है ना बड़े ख़तरनाक है। दोस्तों दिल्ली में ड्राइविंग टेस्ट पास करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैडम आज फिर से आई है पास, देखते होगी नहीं होगी। घमंड कम हुआ ही नहीं हुआ, पिछली बार फेल हो गई थी। आप थोड़ा मेरे को ये फालतू की बात है ना थोड़ी कम किया करो, किसी दिन मैं आपको ना रख के आ गए इसके। अच्छा जी, तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ द्वारका सेक्टर 22 में, आप ट्रैक देख सकते हो। अच्छे से अच्छा बंदा जो उसमें रहता ना, मेरी वाइफ की तरह घमंड में रहता कि मैं पास कर लूँगा, वो यहाँ पे आके फेल हो जाएगा। तो आपको क्या मेन आना चाहिए आपको बता देता हूँ, आपका भला कर देता हूँ, आपका फ़ायदा बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपने वो ट्रिक अपना ली तो आप पास हो जाओगे। ये देखो गाड़ी की शुरुआत यहाँ से होगी आपकी। मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगी समझाने आपकी वीडियो के चक्कर में। वेट 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 वेट, इधर इधर आओ दीपिका, एक सेकंड रुको, एक सेकंड यार, जनता को सपोर्ट करना चाहिए। तेरी जैसी कुछ लड़कियां हैं जो घमंड में रहती हैं उनको खत्म करने दे। बेइज्जती कर रहे हो तो मैं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। बेइज्जती कराने, इधर दीपिका, टेस्ट तभी पास होगा जब तू पति की बात मानेगी। देखो दोस्तों गाड़ी यहाँ से लेकर आओगे और ये सामने लगा दिया आपने। ज्यादा जान मत बांटो, खुद ने कभी पास किया है? उसके बाद आपने गाड़ी को बैक करना है, सारा खेल डिफिकल्ट खेल बैक करने का है जी, सारा खेल। जो लड़की बैक कर लेगी, जो लड़का बैक कर लेगा वो जीत जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने सीधा आना है और ये आठ बनाना है आपने, ये पूरा आठ बनाना है। देखो ये आठ बना हुआ जी है, आठ सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत आपको कहाँ पे आ सकती है, दीपिका एक बार इधर आना, क्या लग रहा है वैसे तुम्हें, सेकंड टाइम तो आई है, क्या लग रहा है? आज तो मैं जा रही हूँ। इधर आ तू, इधर आ, इधर सर भी देख रहे हैं। सर ने बोला कि सनी यहाँ पे जनता को क्लियर कर। कुछ लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं बिना मेहनत करे, बिना कुछ जाने समझे, माता पिता की बात नहीं मानते। थोड़ी कम करो, मेरे बारे में बोल रहे हो, मुंह उठा के आ गई, बड़ों की बात नहीं मानते, ठीक है ना, आ जाते हैं। दोस्तों जो डिफिकल्ट मैटर है ना आठ बनाने के बाद, वो ये है जी, इसमें आठ बनाना मैटर नहीं है, बैक करना मैटर है और ये गाड़ी पार्किंग में लगाना मैटर है। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगेगी तो आपकी जीत हासिल हो जाएगी, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, गाड़ी बैक करके पार्किंग में लगानी है डब्बों के अंदर, उसके बाद गाड़ी निकलेगी, आपने ये फ्लाईओवर चढ़ना है और फ्लाईओवर पे आपने गाड़ी को स्टॉप करना, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। एक मिनट रुको, ये आ गया जी फ्लाईओवर आपका, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने गाड़ी को रोकना है इस पट्टी से पीछे, आसान कुछ नहीं है, पहले वाली चीज़ें नहीं रही कि पैसे दे के पास हो जाएंगे, सेटिंग लगा लेंगे, जैक लगा लेंगे। इस फ्लाईओवर पे देखो रोकनी है आपने, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए आपकी। बाहर आ लो, समझ में आ गई ना, हैं? ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं दूसरे को, खुदी की बीवी को कुछ सिखाया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ रोकी आपने गाड़ी, उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रीन बत्ती हो जाएगी, निकाल ली और आप जीत जाओगे और बन जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है दोस्तों। पहले वाली चीज़ें नहीं बची कि पैसे दोगे, सेटिंग लगाओगे, जैक लगाओगे, ऊपर फ़ोन करोगे, द्वारका सेक्टर 22 के अंदर जैक नहीं लगती। यहाँ पे आपका दिमाग लगाना है और यहाँ पे टेस्ट पास करना है। वीडियो को दबा के शेयर मारना, और जो लड़कियाँ कहती हैं मेरे को ये आता है वो आता है, ये चला लूँगी है, और जो लड़कियाँ कहती हैं ना मेरे को ये आता है वो आता है, ऐसे कर लूँगी, नहीं मैडम ऐसे मत करो, मेरी बीवी बहुत घमंड में रहती थी, पहला टेस्ट फेल हो चुका है, सेकंड टाइम दोबारा आई है, आपने तरीके से पास करना है, आराम से पास करना है,
यहाँ पे आने से पहले ट्रेनिंग लेनी है माता पिता से, जिनको गाड़ी आती है, नहीं तो ट्रेनर से, ठीक है ना। वीडियो को दबा के शेयर मारना, और अपने माता पिता का कहना मानोगी ना, और अपने पति का कहना मानोगी, तो दुनिया की हर एक चीज़ पास कर लोगी। अपने उसमें रहोगी ना, हर चीज़ में फेल होकर पति की याद आएगी या माता पिता की याद आएगी कि वो सही कहता था। तहलका मचाता रहूँगा, ताने मारता रहूँगा, सही है। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है। तहलका मचाता है ये, तहलका मचाए।